myself dietitian Shilpa, working as a senior clinical dietitian in Healing Hospital Chandigarh. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेट लॉस जर्नी की. जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं वो पूछते हैं हमसे कि है ना हम कैसे अपना डाइट प्लान जर्नी स्टार्ट करें और कैसे अपनी वेट लॉस वेट गेन जर्नी स्टार्ट करें. एक आपने वर्ड सुना होगा मेटाबॉलिज्म. आप हर एक डाइटिशियन के मुंह से जरूर सुनेंगे कि मेटाबॉलिज्म अपना बूस्ट करिए तो आपका इजीली वेट कम हो जाएगा और इजीली वेट बढ़ जाएगा. बट मेटाबॉलिज्म होता क्या है एक्चुअल में? मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का केमिकल रिएक्शन है और केमिकल आपके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म करते हैं. आप अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं हम कुछ आज आपको टिप्स बताएंगे इस वीडियो में. सो नंबर वन, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. फिजिकली जितना एक्टिव रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आप ऑक्सीजन लेते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. नंबर सेकेंड, प्लेंटी ऑफ फ्लूड. फ्लूड सेम आपका काम करते हैं, जितना इनटेक वाटर का अच्छा होगा उतनी ही बॉडी से आप टॉक्सिसिटी रिमूव कर सकते हैं. थर्ड वन इज अवॉइड क्रैश डाइट. आपके बहुत सारी डाइट्स होती हैं, फास्टिंग करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, डिटॉक्स डाइट फॉलो करो, कंटिन्यू आप 7 days की डिटॉक्स डाइट पे हैं. ज़्यादा आप फास्टिंग करेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, अगर आप हेल्दी डाइट भी खाएंगे तो भी इजीली आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं. कट डाउन योर ट्रांस फैट. सबसे पहले आपके जो आपने जितने भी ट्रांस फैट होते हैं, बाहर का जितना मैदा स्टफ है, जितना आपका ऑयली फ्राइड स्टफ है, उस चीज़ को आप अपनी डाइट से एलिमिनेट करो. जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उसको आपने कट डाउन करना है. नेक्स्ट वन इज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील. आपके फास्टिंग पीरियड ज़्यादा नहीं होना चाहिए. समटाइम जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हैं तो आपने रात को डिनर नहीं करना, सुबह उठ के 11 बजे तक खाना खाना है. जो ड्यूरेशन पीरियड है ना वो बहुत ज़्यादा होता है. उसकी वजह से भी आपका जो मेटाबॉलिज्म, जो आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना बॉडी में, उसमें चेंजेस आ जाते हैं. उसकी वजह से भी आपका जो वेट है वो स्टक हो जाता है. सो ऑलवेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील आपने फॉलो करने हैं. ईट मोर प्रोटीन. प्रोटीन्स आपको जैसे पता है कि ऑल ओवर बॉडी में आपका प्रोटीन्स का बना होता है. जितना आपका प्रोटीन का इनटेक होगा उसके जितने हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो रिकवर होते हैं, वो अपना मेटाबॉलिज्म बेसिकली बूस्ट करने में हेल्प करते हैं. लास्ट वन इज गेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ स्लीप. स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है. 6 to 8 hours का स्लीप बहुत ज़रूरी है फॉर योर माइंड, बॉडी को रेस्ट देने के लिए भी, और बॉडी को दोबारा से हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी एक फ्रेश माइंड और फ्रेश बॉडी की ज़रूरत होती है. सो स्लीपिंग भी आपके वेट को अफेक्ट करता है. इन सब चीज़ों को आप पहले फॉलो करिए, उसके बाद आप मेरे पास ज़रूर आएंगे वेट लॉस के लिए, अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए. इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपके स्क्रीन पर नंबर मेरा अवेलेबल है. आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप मेरे पास आकर अपनी कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं एंड अपनी वेट लॉस जर्नी, वेट गेन जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.